अगर सुअर की चर्बी तो सुअर की चर्बी बढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे भाई। अगर सुअर की चर्बी नहीं है तो फिर क्या जरूरत है, सही है, और अगर है तो बताएंगे। वैक्सीन लगवाने के लिए बात ऐसी है कि अगर वैक्सीन कामयाब है और वो सही है तो लगवाई जाएगी। अगर वैक्सीन कामयाब, वैज्ञानिकों ने बनाई सबसे, वैज्ञानिकों ने तो अमेरिका में नहीं बनी अभी तक तो वहाँ भी नहीं ट्रायल शुरू को अपने देश के वैज्ञानिकों पे विश्वास। मैं बिल्कुल लगवाऊंगा, सबसे पहले मैं लगवाऊंगा, सार को लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा पहले, चिंता ना करें आप। कोरोना की वैक्सीन आ गई, ड्राई रन शुरू हो गया, आप लगवाएंगे? हाँ लगवा लो। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है, देश में जल्दी कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार मुस्लिम समाज कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या समझता है? क्या वो टीके लगवाने के लिए तैयार है, या फिर अभी भी वो उन लोगों की बातों में है जो लगातार बरगला रहे हैं? आखिरकार वो क्या समझता है, सीधी और बेबाक बातचीत करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, तो चलिए मेरे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने। आप क्या कहेंगे भाई साहब? लगवाने पड़ेगी जो सरकार कह रही। आप लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन? अगर फायदा है जनता का, गवर्नमेंट का, जनता का तो लगवाएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट अपना फायदा कर रही, जनता का कुछ नहीं सोच रही। कोरोना वैक्सीन लगवाने पे तो खुद का ही फायदा है, जब हम बीमार है तो ठीक हो जाएंगे। लगवाने में क्या दिक्कत है? आप लगवाएंगे जी कोरोना की वैक्सीन? अगर नहीं, अगर हुकूमत के हिसाब से अगर फायदा है तो ठीक है, वरना नहीं लगवाएंगे। फायदा कैसा? अगर सही है तो लगवाएंगे, नहीं है तो फिर कैसे लगवाएंगे? वैज्ञानिकों ने बनाई है, मेडिकल स्टाफ ने बनाई है तो अच्छी होगी। हाँ, तो जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंट नहीं सही आएगा तो जब तक क्या पता, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक नहीं लगवाएंगे। एक्सपेरिमेंट कैसा? एक्सपेरिमेंट तो हो लिया, मतलब जब तक कि उसका सही वो नहीं मिलेगा और लगवाएंगे तो हम भी लगवा लेंगे, क्या है उसमें? अच्छा, और लगवाएंगे तो आपकी, क्या नाम है जी सर? अमीर अख्तर। अमीर अख्तर जी, कोरोना की वैक्सीन आ गई, ड्राई रन शुरू हो गया, आप लगवाएंगे? हाँ लगवा लेंगे, खुले दिल से, खुले दिल से। और जो राजनीति चलती रही, लोग इस पे अफवाहें फैलाते रहे, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स पे भी फैलाई थी कि इसमें सुअर की चर्बी है, किसी ने कुछ और कहा, उन लोगों को जवाब देंगे? हाँ देंगे, देंगे। अगर सही है तो जवाब देंगे, अगर सुअर की चर्बी तो सुअर की चर्बी बढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे भाई। अगर सुअर की चर्बी नहीं है तो फिर क्या जरूरत है, सही है, और अगर है तो बताएंगे क्यों? कौन दे रहा है लोग? ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कहा होगा, ऐसे कम लोग हैं, कम लोग हैं, बहुत अफवाहों में मत आवे आदमी, अफवाहों से दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे। गवर्नमेंट का फायदा करे, अगर गवर्नमेंट पब्लिक का अच्छा कर रही तो अच्छा है, बुरा कर रही तो बुरा मानेगी, लेकिन अगर शुगर की चर्बी है तो नहीं लगवाने के। कैसे, किसने बताया कि सुअर की चर्बी है? करे ना, ये तो लोग अफवाह फैला, छोड़ दीजिए आप, अपने मन को देखो, अगर अपना मन उसे कवारे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, कुछ धार्मिक संगठन ऐसे जिन्होंने फतवा जारी कर दिया था पहले ही, क्या उन लोगों के फतवे को मानेंगे आप? ऐसा किसने नहीं किया, ऐसी ना कोई फतवा नहीं। फाउंडेशन है मुंबई की, उसने फतवा जारी कर दिया था पहले ही, वो गलत है, वो धार्मिक नहीं होगा, वो धार्मिक नहीं, धार्मिक नहीं होगा, ऐसे ही होगा। अगर फतवा होता तो भाई साहब मुसलमान के लिए हराम है वो चीज, फतवा कोई नहीं है, देवबंद का फतवा मान लेंगे हम, फतवा देवबंद का होता है, हम फतवा देवबंद का मान लेंगे, किसी और का नहीं मान लेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मोहम्मद शाहिद कुरैशी, डोली खान में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर फतवा देवबंद का है तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मान लेंगे, और किसी का नहीं, नहीं मानेंगे, नहीं, 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 वैसे कैसे मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, देवबंद का मान लेंगे। लोगों को क्या जवाब देंगे जो जिन्हें पता ही नहीं वैक्सीन में है क्या, वो पहले से फतवा देने लगे? बेवकूफ, बेवकूफ है, दिमाग का काम है उनका, अकल नहीं उन लोगों को, सोचे कोई बात ना माने, अगर सही है तो मानो, तो मत मानो। आप क्या कहेंगे जी, आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं? किस तरह की, मैं समझ लीजिए आपकी बात, कोरोना वैक्सीन आ रही है जिसका टीका लगेगा फिर आदमी को कोरोना नहीं होगा, सरकार जल्दी इसका ड्राई रन शुरू हो चुका है आज से और जल्दी ये लगने वाली है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ हमारे मजहब में जाया जाए तो हम लगवा, नहीं लगवा लेगा, नहीं सेहत के लिए है, वो मजहब से क्या मतलब, लगवा देंगे फिर तो, मजहब से कोई मतलब नहीं, जो हमारे उलमा देंगे फतवा उनका अपने उलमा की मानने के, ठीक है, जब जान तो बचाने हजीर है, हमें जान बचावेगे तो जीवेगे भी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जान बच रही है, जान हमारी बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर टिक्के के चक्कर में ऊपर भेज रही गवर्नमेंट के फिर दिक्कत है, पर कैसे भेज देगी, वो तो सबके लिए, बहुत इंजेक्शन दिए गवर्नमेंट ने, बहुत लोग मार दिए, कोरोना
वैक्सीन का आया है, कोरोना वैक्सीन का लगवाएंगे इंजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फतवे जारी औरते रजा फाउंडेशन ने कहा था भाई इनमें सुअर की चर्बी हो सकती है, जब तक हम तैयार ना देख लें तब तक मत लगवाना, उनको क्या कहोगे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मजहब का कोई मामला नहीं है, कोई फतवा नहीं है। उलमाए दीन का फतवा अगर हम मानेंगे तो देवबंद से आएगा तो मानेंगे, नहीं तो हमारे को वैल्यू नहीं है और किसी को वैल्यू नहीं है। बाकी सेहत के लिए जो अच्छा होगा सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक है, वो सबके लिए हो रहा है, एक के लिए नहीं हो रहा है। सरकार एक के लिए नहीं कर रही, सरकार सबके लिए कर रही, उसमें सभी आ गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आ गए, कोई सारे मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए नहीं है, समझ रही? सरकार तो सबके लिए कर रही है, सरकार पब्लिक का फायदा कर रही है। अखिलेश यादव ने भी ये कोशिश करी फैलाने की कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो लगवाऊंगा नहीं, बाद में वो माफी मांगे। ये नेतागिरी है, मुझे तो आपको बदनाम करना है, करूँगा मैं बीजेपी को बदनाम करना करूँगा, अब बीजेपी का नहीं टाइम होगा उसे अखिलेश को बदनाम करेंगे, ये तो है, इससे कोई चक्कर नहीं है। रोटी खानी तो मुश्किल हो रही है आज के टाइम में, तो क्या करेगा? आपका क्या नाम है? मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, कोरोना वैक्सीन आ रही है, क्या तैयार है मुस्तकीम लगवाने के लिए उनका परिवार? बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। लेकिन लोग क्या बातें तो आ रही है भाई, माहौल सही होगा इससे, बहुत ज़्यादा परेशानी में हमारा देश हिंदुस्तान, ठीक है नहीं, तो हमें तो ज़रूरत है उस चीज़ की, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आ जाए तो, माहौल सही हो जाएगा, लोग बाग बहुत परेशान है, बहुत मजबूर है, मिडिल क्लास के आदमी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, ठीक है नहीं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आम आदमी को इस चीज़ की। लेकिन जो लोग पहले से ही सियासत इस पे कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा भाई ये तो बीजेपी वाली, हम तो लगो सियासत है, देखो जी राजनीति, हमें राजनीति से क्या मतलब, आम आदमी पार्टी को कोई यो काम होना चाहिए, गलत तो नहीं है भाई, कांग्रेस हो अखिलेश यादव हो कोई सी भी सरकार हो बीजेपी सरकार हो, हमें तो काम चाहिए आम पब्लिक को, कोई ऐसी बात नहीं चाहिए, हमें तो काम कारोबार चाहिए। और जिस तरीके से पहले से ही धार्मिक चीजों को लेकर फतवे आने लगे, अभी रजा फाउंडेशन ने कुछ ही दिन पहले फतवा जारी किया था कि भाई जब तक हम ना देख ले तब तक मत लगवाना, क्या आप उन लोगों की बात भी मानेंगे? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मानने वाले। ये किसने दिया? फाउंडेशन है मुंबई में। अच्छा अच्छा, अरे नहीं उनके कोई नहीं मानने के, उनका कोई नहीं मानना जाएगा, देवन का अगर फतवा होगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान मानेगा नहीं मानेगा, नहीं ये मैं कह रहा हूँ, जो टेबल वाले फतवा देंगे उसे मानने के। सेहत दिखेगी मुसलमान को सबसे पहले अपनी की फतवे दिखेंगे कि अगर कोई भी कुछ कहे उसको, अगर जो है ना पहले सेहत पहले जिंदगी है कि और चीज, दोनों चीज बराबर है, दोनों चीज चाहिए मुसलमान की बात में, जिंदगी तो जानी है, ये तो मिट्टी बननी है एक दिन, इसे कोई दिक्कत नहीं, क्या पता कब बुलावा जाए, लेकिन बहरहाल फतवा तो रहेगा, फतवा को मानना पड़ेगा, वरना हम ईमान सखा जी रजा फाउंडेशन का, रजा फाउंडेशन है मुंबई में, उसने कुछ दिन पहले फतवा जारी किया था, अब तो ड्राई रन शुरू। फाउंडेशन का फतवा आप जो है कह रहे हैं, रजा फाउंडेशन के पास ही अथॉरिटी है, वो फतवा जारी कर दे, ये वही तो कह रहा उसने भाई, वो करता रहे, मुफ्ती जो है मुफ्तियान जो है वो फतवा जारी करते हैं, रजा फाउंडेशन वाले कौन होते हैं फतवा जारी करने वाले, रह गई बात ये किस बारे में फतवा किया है, क्या किया है, ये तो आप पहले मालूमात तो कीजिए, क्या फतवा है किस बारे में है, उसके बाद में आप ने कहा कि जब तक हम इसको टेस्ट ना कर ले वैक्सीन को हाँ। वैक्सीन को जब तक हम ना देख ले पास ना कर दें तब तक मत लगवाना देश का मुसलमान। रजा फाउंडेशन इज द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ही विल डिसाइड दैट हु विल टच और नॉट टच, हु विल डिसाइड इट, इट इज, ये तो डिसाइड सरकार करेगी, सरकार ने तो तैयारी अपनी वैक्सीन ड्राई रन शुरू कर दिया, ट्रायल शुरू हो जाएगा, वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए रजा फाउंडेशन ने ऐसा किया, आप लोग मानेंगे कि नहीं? किस चीज को? फतवे को, फतवे तो हम उनके मानते हैं जिनके फतवे माने जाते हैं। आप तैयार है वैक्सीन लगवाने? वैक्सीन लगवाने के लिए बात ऐसी है कि अगर वैक्सीन कामयाब है और वो सही है तो लगवाई जाएगी, अगर वैक्सीन कामयाब, वैज्ञानिकों ने बनाई सबसे, वैज्ञानिकों ने तो अमेरिका में नहीं बनी अभी तक तो वहाँ भी नहीं ट्रायल शुरू, दे अपने देश के वैज्ञानिकों पे विश्वास है? विश्वास नहीं है क्या? आपके सवाल बड़े अजीबोगरीब घुमाते हैं, पूछ रहा हूँ विश्वास है कि नहीं, आप बताइए विश्वास, आप वैज्ञानिकों के अंदर जो है ना जी, आप विज्ञानों के बारे में क्या जानते हैं, आप उनके बारे में क्या, आप मुझसे पूछ रहे हैं विश्वास है कि नहीं है? अरे वैज्ञानिक सारे काम कर रहे हैं और फेल हो जाते हैं, मंगलयान पे गए थे फेल हो गए, बताइए आप क्या कहेंगे, तो आपको विश्वास नहीं था उस टाइम वैज्ञानिक पे अपने? अच्छा जो आप सर के दर्द की दवाई लेकर खाते हैं वो किस विश्वास पे खा रहे हैं? किस विश्वास में खा रहे हैं? सर के दर्द की दवाई जो खाते हैं हम लेकर के, उसी विश्वास में खाते हैं जिस पे आप खाते हैं, तो मैं तो उसी विश्वास पे कोरोना की वैक्सीन लगवा लूं, अगर वो कामयाब होगी तो लगेगी, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो लगेगी कोरोना की वैक्सीन, वो तो गवर्नमेंट देगी, लगेगी तो उसका हो चुका होगा ना, हो चुका होगा तो, और वो कामयाब हो गई तो फिर वो लगेगी, तो
इसकी कामयाबी का कैसे पता चलेगा? ये तो वही बताएंगे ना जिन्होंने बनाई है। तो बता दी ठीक है, तैयार हो गया, ड्राई रन शुरू। उन्होंने तो तब भी कहा था मंगल, क्यों नहीं कह रहे भाई हम तैयार है? तब भी कहा था मंगलयान पे कि ये बिल्कुल सही है, अब जाएगा ये। नहीं गया, बताइए आप क्या कहेंगे उसे? उन्होंने तब भी कही थी ये बात। मंगलयान पे हम पहले ही विजय फतेह कर चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। मंगलयान पे, मंगल पे हम पहले ही विजय फतेह कर, वो तो आपने वैज्ञानिकों से पहले कर ली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात जानकर वो आपको पता नहीं होगा, वो चंद्र चंद्रयान टू था, चंद्रयान टू था सर। हमें तो कुछ भी पता नहीं जितना एंकर्स को पता है। एंकर्स तो वो सवाल निकालते हैं जिसका कोई सरपैर ही नहीं हो। तो पूछ रहा आप कोरोना वैक्सीन लगवाओगे? वैक्सीन अगर कामयाब होगी तो वो लगेगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों लगेगी? सही बात। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं बिल्कुल लगवाऊंगा सर, पहले मैं लगवाऊंगा, सार मुझे कोई लगवाओ, मैं लगवाऊंगा पहले, चिंता ना करें आप। थोड़ी चिंता करेगा तो सेहत वाला। नहीं नहीं, हाँ मैं बिल्कुल लगवाऊंगा, खुश होकर लगवाऊंगा, ताकि मेरे पीछे पीछे 50 आदमी और लगवा, मैं लगवाऊंगा इंशाल्लाह। और बताओ सेवा? हाँ देखो मैं साथ लगवाओगे तो लड़ाई तो नहीं करोगे? ना ना ना। और कह रहा था जिस तरीके से लोग पहले ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं मुस्लिमों ये ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसे मत लगवाओ, फतवे जारी हो रहे हैं। कुछ नहीं है, डिजिटल मीडिया जो है वो काम कर रहा है अपना, फेकू खबरें आ रही हैं, लेकिन इसका उलमाए दीन से और कोई वास्ता मतलब नहीं है। वो जब गवर्नमेंट कहेगी सारे काम हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। आपको विश्वास है वैज्ञानिक? 100% विश्वास है सर, आपको भरोसा है सर इस वैक्सीन पर और देश के वैज्ञानिकों पर, डॉक्टर्स पर? जो वैक्सीन आई है वो बिल्कुल ठीक है और उसको देश का मुसलमान लगवाने के लिए तैयार है? ये तैयार तो बिल्कुल होंगे, अगर एक दो को लगा के आराम होता है तो सब लगाएंगे, पहले ये देखेंगे। यकीन तो यह है, पहले अल्लाह की ज़ात है, बीमारी उसने दी तो ख़त्म भी वही करेगा। लेकिन जहाँ तक साइंस का सवाल है, ये साइंस ने ये चीज़ पैदा करी है, तो साइंस ने जब ये चीज़ बनाई है तो इसमें लोगों को देखेंगे, अगर इससे फ़ायदा हो रहा तो हर कोई लगवा देगा। उलमा इकराम इसमें कोई वो नहीं करेंगे, क्योंकि दवाई करना, इलाज करना सुन्नत है, सवाब है हमारे हाथ। सबसे पहले जान है अपनी, पहली जान बचाना फ़र्ज़ है, जान का बचाना फ़र्ज़ है। और ये हमारे यहाँ से जो है क्या नाम सुन्नत है कि सबसे पहले जो है क्या नाम, अगर इस वैक्सीन से फ़ायदा होता है तो उलमा इकराम क्यों मना फरमाएंगे? कोई नहीं मना करेगा, फैज पहुँचेगा इससे। रहेंगे, कोई चीज़ है बनाई गई है उसके लगवाने के वास्ते है, तैयार तो रहेंगे हम लोग। लेकिन क्या कोई शक भी है क्या वैक्सीन पर? शक क्या होगा, शक कोई नहीं है, शक कोई नहीं है। नहीं, इससे पहले बात हो रही थी इसमें सुअर की चर्बी ना हो, इसमें ऐसी चीज ना हो जो धार्मिक चीजों पे मान्यता ना, ऐसा कोई शक नहीं है। हमें विश्वास है वैज्ञानिक, विश्वास है जी जी। अब्बास जी, कोरोना की वैक्सीन आ रही है, क्या आप उसका स्वागत कर रहे हैं, लगवाने के लिए तैयार? अच्छी बात है, तैयार है उसके लिए तो, और हर हाल में होनी चाहिए, बीमारी खत्म होनी चाहिए अपने हिंदुस्तान से। बीमारी को भगाने के लिए आप तैयार? हाँ तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी अफवाहें फैलाई कुछ दिन पहले कि सुअर की पर, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा इलाज मिलने का अच्छा आदमी काम नहीं है इस तरह की बात करना। अच्छे होने चाहिए देश के, एक एक नागरिक को होनी चाहिए, सबकी चाकिन होनी चाहिए, किसी को कोई तकलीफ न रहे, ताकि बीमारी और न फैले, दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। हम जिस तरह के हैं मामला हमारा, तो हमारे तो ख्यालत इस तरह के हैं। मतलब जो वैज्ञानिक है उन पे आपको पूरा भरोसा है कि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छी वैक्सीन? सब लोग अफवाह फैला रहे, काम खाएगी इसमें, इसकी अफवाह मैंने बिल्कुल नाम है, और अपना काम पूरा करते रहे। आ जा सकता है कि बातचीत बेबाकी वाली रही, कुछ लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं कोरोना का टीका लगवाने के लिए, सरकार ने जो किया बिल्कुल सही, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी इस वैक्सीन पर शक है। क्या वाकई उनका ये शक भी दूर हो जाएगा? इस वीडियो पर आप अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार हमें दीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात ग्राउंड जीरो से लगातार करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।